और कोई क्या नाम है, सुरेंद्र द्विवेदी कोई करके हैं, जो बहुत आज मॉर्निंग से बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि भैया जी थोड़ा सा अच्छा। ये सब्जी नैन्सी की बन चुकी है, नैन्सी के लिए टिफिन बना रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इधर मैं चाय बना रही हूँ नैन्सी के लिए, अपने लिए, जिसमें से कि मैं ढेर सारा अदरक डाल रही हूँ। एक बॉयल आ गया उसके बाद डाल रही हूँ, नहीं तो मैं पहले ही डालती हूँ अदरक वाली चाय। जिसको जिसको पीनी हो आ जाइए, अभी पराठे सेकने हैं, सब्जी बन गई तो अब चाय बना के नैन्सी को दूंगी। कुछ खाएंगी तो, अगर पराठा खाएंगे तो पराठा ही सेक रही हूँ, स्कूल लेके जाएंगी, अभी तैयार हो रही है। छोले जब दी, वो दी थी क्या, मिमोना और हाँ पता नहीं ये फटा लो नहीं लिया निकल गया और मैंने निमोना नहीं बनाया, मेरा फेवरेट है, तो वही मैं आज जा रही हूँ। मटर को पहले पीसूंगी, उलट पे जीजा उलट पे जीजा, उसके बाद पीस के फिर उसको मैं बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो ट्राई करिएगा, और बनाते हैं तो कोई बात ही नहीं। नैन्सी स्कूल गई है, बोलो मेरा वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं, वीडियो बने रहिएगा गाइस। अभी मैं पास से आ गई हूँ, गोलू ने थोड़ा सा मेरा वीडियो बनाया था, और अभी मैं जा रही हूँ आज निमोना बनाने गाइस। बहुत मतलब मेरा फेवरेट है निमोना, लेकिन पूरा सीजन निकल गया, मैंने बनाया नहीं। इन लोग के चक्कर में, इन लोग को नहीं पसंद है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, वो कहते हमको नहीं पसंद है, तो इसकी वजह से मैं नहीं बनाती थी। लेकिन आज फाइनली मैं बनाऊंगी, चाहे किसी को खाना हो चाहे नहीं, क्योंकि सब्जी मैंने सुबह में आलू की सब्जी बनाई थी नैन्सी के लिए, तो ये सब्जी रखी हुई है बहुत सारी, तो अगर इसको खाना होगा तो ये खा लेगा। पराठे बनाए थे, पराठे भी रखे हैं, और अगर खाएंगे तो और सेक दूंगी, बस यही है। और कोई क्या नाम है, सुरेंद्र द्विवेदी कोई करके हैं, जो बहुत आज मॉर्निंग से बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि भैया जी थोड़ा सा अच्छे से बिहेव, और अच्छे से अगर वीडियो आपको देखना है तो आप वीडियो देखिए, और नहीं देखना है तो वीडियो मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इतने गंदे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो से बाहर रहिए, मुझे ऐसे गंदे कमेंट पसंद नहीं है। आपको मिलने आना है, आप आइए लखनऊ, मिलते हैं आपसे,
मिलना है तो आइए लखनऊ आपको। तो चलिए गाइस, इग्नोर करते हैं और काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने। चलिए फिर, बाय बाय। सो गाइस, मैं निमोना बनाने जा रही हूँ, जिसमें से कि ये मटर मैंने मिक्सर में पीसा हुआ है। ज़्यादा इसका बहुत मतलब बारीक पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा दरदरा है। और ये मटर मैं थोड़ा सा साबुत डालूंगी। ये लहसुन अदरक और मिर्चे का मैंने हरा धनिया पेस्ट बनाया, सिलबट्टे पे इसको पीसा है। और ये मटर को मिक्सर में ग्राइंड किया है। ये एक आलू डालूंगी और एक प्याज का तड़का लगाऊंगी, मतलब एक नहीं आधा प्याज है। और ये बड़ी डालूंगी, तो बड़ी को मैं पहले फ्राई कर लूंगी। अभी मैं मटर को भूनूंगी, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ प्याज डाल रही हूँ, जीरा वगैरह नहीं डाल रही हूँ। हींग और जीरा, इसको भून लिया है कि अलग अलग हो गया है, तो इसको मैं निकाल लूंगी। कुछ इस तरीके से इसको भूनना रहता है, भरभरा हो जाता है। तेल हो चुका है, तो अभी मैं इसमें हींग डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, ये मसाले जो मैंने रखे हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसी में डालूंगी। इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी ऐसे ही, मटर और आलू, ये बड़ी जो डाला है मैंने। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा, अच्छा बनता है। बहुत लोग साथ ही में सब चीज़ डाल देते हैं। ये दो टमाटर मैंने एक छोटा एक बड़ा कट किया है, तो इसको मैं 50% अगर ये पक जाएगा उसके बाद इसको मैं ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। निमोना मेरा 50% हो चुका है ये, तो अभी मैं इसमें ये टमाटर ऐड करूंगी। थोड़ा सा देर से टमाटर डालते हैं एकदम से इसमें, बहुत लोग टमाटर नहीं डालते, मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बनाती हूँ, मेरी सासू माँ बनाया करती थी तो टमाटर डालती थी। जैसे वो बनाती थी मेरी मम्मी, मेरे घर में तो टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन मैं अपनी सासू माँ की ये डिश वो कर रही हूँ, इसकी वजह से डाल रही हूँ। खाऊंगी 5-10 मिनट।
तैयार हो जाएगा। मसाले वगैरह नहीं डाली हूँ, मतलब कोई मसाला नहीं डाली हूँ, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ। ये ऑप्शनल होता है, अगर किसी को मसाला पसंद है तो वो भी आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। बहुत लोग धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, या तो मसाला जो सब्जी मसाला सब्जियों में डाला जाता है वो डाल देते हैं। हम नहीं डाल रहे हैं, हम सिंपल ही बना रहे हैं। लेकिन अलग है ये, कुछ अलग है इसमें। मैंने बहुत सारे देखा है कई लोगों को बनाते हुए अपने घर में भी, और तो मैं थोड़ा इसी तरीके से बनाती हूँ। मटर साबुत थोड़ी सी डाल देती हूँ, अच्छी रहती है। देखिए आप लोग, एक मिनट, तो ये है, इसको मैं पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी टमाटर मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। तो ये मेरा निमोना, ये बड़ी भी बीच बीच में डुब डुब के आ रही है। ये है निमोना, यम्मी वाला। इतने हो जाते मैं और तुम हो जाते। और मौसम यहाँ का देख लीजिए आप लोग, कपड़े वगैरह सब सूखने के लिए डले रहते हैं, सूखते सूखते सुबह हो जाती, सूख नहीं पाते। वहाँ सामने इतनी अच्छी धूप आती है, वो सब लोग बैठी रहती हैं वहीं पे, खाना वाना खाती है। हमको देख के इतना अच्छा लगता है, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। कभी जाएंगे वहीं बैठ के वीडियो बनाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है देख के। धूप निकली है गाइस यहाँ पे। यहाँ नैन्सी आ जाए तो फिर खाना वाना शुरू हो। कॉल मी अगेन आ गया।